हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इन चीज़ों का कभी मत करना दान, नहीं तो गरीबी पीछे नहीं छोड़ती। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, कभी भी धारदार चीज़ों का दान में नहीं देना चाहिए। किसी के मांगने पर भी इन चीज़ों का दान ना करें। इनमें कैंची, चाकू, तलवार, लोहे की रेती, कटार आदि शामिल है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीज़ों का दान आपके जीवन में भूचाल मचा सकता है। इससे जीवन में अशांति आती है, परिवार में क्लेश और नकारात्मकता के साथ ही व्यापार में नुकसान होता है। इन चीजों का कभी भी किसी को दान ना करें। नंबर दो, घड़ी। घड़ी का काम सभी को पता है, लेकिन कई बार लोग घड़ी का आदान प्रदान भी करते हैं। लेकिन याद रहे कि ऐसा करना आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, इसीलिए कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्ति के जीवन के अच्छे और बुरे समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती है। नंबर तीन, कभी भी किसी गरीब को दान में बासी भोजन नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। जानबूझकर किसी को बासी या खराब भोजन खिलाने से आपके घर में दरिद्रता आ सकती है। बासी भोजन का दान घर में बीमारी के रूप में लौट कर आता है और दान करते के जीवन में भूचाल मचा देता है। इसलिए किसी को भी ठीक वैसे ही खाना खिलाए जैसे हम खा सके। नंबर चार, दोस्तों, बाल संवारना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसके लिए अपने खुद के कंघे का ही उपयोग करना चाहिए। किसी दूसरे का कंघा इस्तेमाल करना सेहत और शास्त्र दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है। ना सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित किसी भी सामग्री को कभी भी दूसरे को नहीं देना चाहिए, इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में दान करने से पहले इन बातों का ध्यान रखें। नंबर पाँच, हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। यही वजह है कि हमेशा झाड़ू को गलती से भी पैर ना लग जाए तो क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसके साथ ही झाड़ू को एक अलग स्थान पर छुपा कर रख जाता है। झाड़ू का कभी भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, इससे घर की बरकत चली जाती है और घर में क्लेश और आर्थिक संकट आता है। नंबर छः, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय दूध और दही का दान अशुभ माना जाता है। दूध व सफ़ेद वस्तुएं जो चंद्र ग्रह से संबंधित है, सूर्यास्त के बाद दूध व दही के दान करने से घर से सुख और वैभव चला जाता है। दूध को माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा जाता है, इसलिए सूर्यास्त के बाद में दूध और दही किसी को भी देने से घर में आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है। नंबर सात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सरसों के तेल का दान करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इस्तेमाल किया गया तेल भी दान में देते हैं। ऐसा करना आपको पाप का भागीदार बना सकता है। कभी भी दान में इस्तेमाल किया हुआ तेल नहीं देना चाहिए, इससे भगवान शनि देव रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण आपको उनके प्रकोप को झेलना पड़ सकता है। नंबर आठ, सूर्यास्त के बाद हल्दी का दान भी नहीं करना चाहिए, खासतौर पर गुरुवार के दिन, क्योंकि हल्दी का संबंध गुरु से माना जाता है। हल्दी के दान करने से गुरु कमजोर होता है, जिससे जीवन में परेशानी आती है और घर में अशांति रहती है। इसके अलावा भूलकर भी नमक का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक का दान करने से आपको शनि की साढ़ेसाती झेलनी पड़ती है। साथ ही नमक का दान करने से व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है। नंबर नौ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी भी व्यक्ति को धन या रुपए पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि शाम के समय माता लक्ष्मी का आगमन होता है। शाम के समय धन दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती है, इसके कारण घर में दरिद्रता आने लगती है और धन संपत्ति की कमी होने लगती है। हालांकि किसी सामान के बदले आप किसी को धन दे सकते हैं। नंबर दस, ज्योतिष शास्त्र कहता है कभी भी दान में प्लास्टिक, स्टील, कांच और एल्यूमिनियम या इनसे बने बर्तन का दान नहीं देना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ये दान आपका कारोबार में भी घाटा लाने से लेकर परिवार की सुख शांति को खत्म कर सकता है। बहुत से लोग अक्सर पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए धार्मिक ग्रंथों को दान करते हैं। ऐसा करते समय ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और धार्मिक किताबें दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन्हें दान करना घर में दुर्भाग्य लाना है। दान करते समय इन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए।
हमेशा जरूरतमंदों को ही दान देना चाहिए, तभी इससे पुण्य प्राप्त होता है। निस्वार्थ भाव से दान करना चाहिए। दुखी होकर या द्वेष की भावना से किया गया दान व्यर्थ चला जाता है। इसके साथ ही श्रद्धा भाव से हाथ में देकर ही दान दे और आदर और सम्मान के साथ दान करना चाहिए। जमीन पर रख कर या फेंक कर कभी भी किसी को दान ना दे, क्योंकि इससे आपको पुण्य फल तो मिलेगा नहीं, उल्टे पाप के भागीदार बनेंगे आप। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।